तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पे अच्छे से वीडियोस डिस्कस कर रहे हैं। कम से कम 2 या 3 महीने हमें हो चुके हैं, तो अब हम एचपी जीके जो है इस क्लास में डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है एचपी जीके जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो। 10 से 15 क्वेश्चंस आपको एचपी जीके के देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह नेवर विजिटेड। तो पहला ऑप्शन है धर्मशाला, दूसरा है मंडी, तीसरा है नैना देवी, चौथा है पोंटा साहिब। तो ध्यान दीजिए, मंडी में काफ़ी टाइम व्यतीत किया था गुरु गोविंद सिंह ने। उसके बाद पोंटा साहिब में तो इनफैक्ट जो दोस्तों गुरुद्वारा है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और नैना देवी बिलासपुर में है, यहाँ भी काफ़ी समय इन्होंने व्यतीत किया था, लेकिन धर्मशाला नहीं आए थे गुरु गोविंद सिंह। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, गुरु गोविंद सिंह ने कभी यात्रा नहीं की धर्मशाला की। 10वें सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कमेंट करके बताइएगा जिस टाइम गुरु गोविंद सिंह ने मंडी विजिट किया था शासक कौन था मंडी का। अगर आपको आंसर नहीं आता सिंपली कमेंट बॉक्स चेक करना। काफ़ी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देखते हैं, और प्लेबैक स्पीड इंक्रीज कर लेना 3 डॉट्स में जाके अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं। दी ओनली सैनिक स्कूल इन हिमाचल प्रदेश इज एट। तो डिफेंस मिनिस्टर थे मेनन इंडियन गवर्नमेंट के, तो इनके काफ़ी अच्छे प्रयासों से सैनिक स्कूल जो है ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे, सुजानपुर टीरा। हम भी सुजानपुर टीरा से ही बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों जब सुजानपुर टीरा में सैनिक स्कूल बना था तो यहाँ आसपास जितने भी कामगार थे उनको काफ़ी अच्छा रोजगार मिला था। मेरे दादा वगैरह भी जाया करते थे इसके काम के लिए, सैनिक स्कूल जो बना है सुजानपुर का। उसके बाद नेक्स्ट है रिवर रावी, ये कहाँ से निकलती है। तो आप सभी को पता है रावी नदी जो है ये कहाँ से, तो बड़ा भंगाल कांगड़ा कहाँ पे है। तो दोस्तों ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला में देखने को मिलता है। तो कमेंट करके ये बताइएगा धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि शिवालिक जो एक पर्वत श्रृंखला है सबसे निचला भाग है हिमालय का, इसको तो आप बोल देते हैं कि ये मैनक पर्वत है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं बताइएगा। और बारालाचा दर्रा जो है यहाँ से निकलती है चिनाब नदी, ठीक है। तो बड़ा भंगाल, धौलाधार, रावी नदी, इसकी कुछ एक सहायक नदियाँ हैं उनको भी जरूर देख लेना। यहाँ पे समय थोड़ा सा कम है तो डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। प्रीवियस जो भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उनमें जरूर ऐसे जब नदी आई है तो उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो जरूर देखिए सारे के सारे वीडियोस, इंपॉर्टेंट हैं आज के टाइम में। किन्नर देश, जो भी पुस्तकें हैं हिमाचल प्रदेश की उनको जरूर देखिएगा, सारी इंपॉर्टेंट हैं। तो किन्नर देश जो है ये पुस्तक लिखी गई है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकेती फॉसिल पार्क यानी कि सुकेती जीवाश्म उद्यान कहाँ पे है। तो स्क्वेती फॉसिल पार्क आपको देखने को मिलता है सिरमौर में, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सिरमौर में बात करूँ तो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क भी है, ठीक है। और जब हम स्क्वेती नदी की बात करते हैं या फिर सहायक नदी की, तो ये ब्यास की सहायक नदी है, तो ये भी याद रखना, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पजल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे बड़ा मछली फार्म कहाँ पे है। तो अगर मैं आज के टाइम में बिलासपुर ज़िले में जाऊं तो आप सभी को काफ़ी बड़ा यहाँ पे बांध मिलता है जिसको हम बोलते हैं भाखड़ा बांध। तो इसका जो रिजर्वोइर है, जो इसका जलाशय है, तो वहाँ पे देवली जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर मछली उत्पादन होता है। तो देवली आपको याद रखना है, बी ऑप्शन कहाँ पे है ये याद रखना, बिलासपुर में। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 12 जिलों में जो मुख्यालय हैं सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा है, तो किलांग आपको याद रखना है, लाहौल स्पीति का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्पेंट नंबर ऑफ मंथ्स एट, तो एक समय था दोस्तों, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस डलहौजी में आए थे, इन्होंने काफ़ी समय बिताया था। और रास बिहारी बोस वगैरह जब मैं बात करता हूँ तो धर्मशाला में इन्होंने टाइम व्यतीत किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, तो डलहौजी याद रखना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, कमेंट करके ये बताइए कि डलहौजी जो है, जब दोस्तों हिमाचल प्रदेश के साथ नहीं मिला था, ये इसका मर्जर नहीं हुआ था, तो पंजाब के किस जिले का हिस्सा था डलहौजी, ये बताइएगा ज़रा, अगर आप सोचते हैं कि आपका एचपी जीके स्ट्रॉन्ग है तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भुंडा बेसिकली ये त्यौहार होता है, 12 सालों बाद हमें देखने को मिलता है इसको, हिमाचल पहाड़ी क्षेत्रों का कुंभ भी बोला जाता है, तो ये भगवान परशुराम से संबंधित है। ये दोस्तों बेसिकली निर्मंड में काफ़ी फेमस है, वैसे तो ये यहाँ आसपास इलाके जो हैं बाकी ज़िलों के वहाँ भी मनाया जाता है, लेकिन जो निर्मंड वाला है ये ओरिजिनल है, तो इसको अच्छे से देख लो, ऑप्शंस में आपको निर्मंड मिले तो इसी को चूज़ करिए। उसके बाद नेक्स्ट है, किसने ये लाइन बोली है स्पीति के बारे में, स्पीति दैट दिस प्लेस इज़ नॉट प्लेस फॉर मैन, यानी कि जो स्पीति है, आप सभी को होता है लाहौल स्पीति में एक क्षेत्र लाहौल है और एक स्पीति है, तो ये स्पीति है ये दोस्तों रहने योग्य यानी कि मनुष्यों का स्थल नहीं है, तो ये लाइन किसने बोली थी, रुडयार्ड किपलिंग ने, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद दोस्तों चोटियों को जरूर एक बार देख लेना, इनफैक्ट लाहौल स्पीति और किन्नौर की तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक ग्यास पीक पूछी गई है जो कि ग्यास चोटी हिंदी में हम बोल सकते हैं, तो ये कहाँ पे है, ये स्पीति में आपको देखने को मिलती है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पिछले कुछ समय में दोस्तों एक कुंड पूछा जा रहा है बार बार, जिसका नाम है नेहरू कुंड, तो आपको याद रखना है ये कुल्लू ज़िले में है, अगर ज़िला पूछा जाएगा तो कुल्लू आँखें बंद करके चूज़ कर लेना। अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इसकी, तो मनाली याद रख लेना, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा बड़भाग सिंह, ये त्यौहार है, मेला है, काफ़ी फेमस है इस ज़िले का, तो ज़िला ही पूछा जाता है बार बार, तो आप सभी को ऊना याद रखना है, अगर आप पार्टिकुलर उस प्लेस पर जाना चाहो तो उसको मैडी हम बोलते हैं ऊना ज़िले में, तो इसका डी ऑप्शन ही सही होगा। बेसिकली जब बैसाखी होती है 13 अप्रैल को, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्नर देश, हमने पहले दोस्तों इसके बारे में देखा हुआ है, किन्नर देश जो है, तो यहाँ पे ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, राहुल सांकृत्यायन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर मोनोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर, तो HL शटलबर्थ जो है, इन्होंने दोस्तों 20वीं शताब्दी में इसको खोजा था, आई थिंक 1913 था, मैं श्योर नहीं हूँ, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये जो मसरूर रॉकर टेम्पल है, एक ही चट्टान से इसको बनाया गया था, कहा जाता है कि ये पांडवों के द्वारा बनाया गया था, लेकिन कुछ एक इतिहासकार बोलते हैं कि कश्मीर का राजा था आदित्य वर्मन, उसके टाइम में ये बना था, 8वीं शताब्दी थी आई थिंक। तो मसरूर रॉकर टेम्पल जो है दोस्तों, ये आपको कांगड़ा में देखने को मिलता है, याद रखिएगा। क्या आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इसकी स्थापत्य शैली यानी कि आर्किटेक्चरल स्टाइल कमेंट करके बता सकता है किस स्टाइल के ऊपर ये बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिम ऊर्जा, हिम ऊर्जा जो है दोस्तों आज के टाइम में हिमाचल में काफ़ी फेमस है, तो ये बेसिकली काम कर रहा है किस चीज़ के ऊपर, रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, इनफैक्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी हिम ऊर्जा जो है यही मैनेज कर रहा है हिमाचल में, तो आज के टाइम में इसकी काफ़ी वैल्यू है, तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा। तो आज के इस वीडियो में ये हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए एचपी जीके वगैरह के, अगर कोई भी आपका डाउट हो किसी क्वेश्चन में, कोई क्वायरी हो, या फिर आप पेड क्रैश कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप ज़रूर व्हाट्सएप करिएगा, हमारी टीम का यहाँ पर सपोर्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल,
जय हिंद, जय हिमाचल।